अरे वो काम बता दो, तेजस्वी तो गिना देगा, हम जो रहे काम गिनाए हैं। लेकिन भाजपा के उप मुख्यमंत्री दो वो हैं, दोनों का एक एक कोई काम गिना दे जो एक काम किया हो। जब से हम सरकार से अलग हुए हैं कितनी नौकरियां बांटी गई हैं आपको हम बता दें। तेजस्वी यादव एक सभा को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने बिहार में काम किया है, जिस प्रकार से हमने बिहार में रोजगार देने का काम किया है, नीतीश कुमार और एनडीए की जो सरकार है वो कितनी नौकरियां बांटी है हमारे जाने के बाद आप लोग बता दीजिए। तो ये सुनवाते हैं तेजस्वी यादव क्या कुछ बोल रहे हैं। हर एक नौजवान के हाथ में हम लोग काम देने का काम करें ताकि उसका घर चलता रहे, उसका जीवन भविष्य सुधरे। ये बेरोजगारी की लड़ाई जो है ये भी साथ साथ हम लोग जो है लड़ाई लड़ने का काम करें। लेकिन आज देख लीजिए सत्ता में जो लोग हैं क्या काम कर रहे हैं। तेजस्वी के जाने के बाद बता दो एक नौकरी दिया हो तो, कितना दिन हो गया इस सरकार के। अब भाजपा के एक और ना दूदू को डिप्टी सीएम, अरे वो काम बता दो, तेजस्वी तो गिना देगा, हम जो रहे काम गिनाए हैं। लेकिन भाजपा के उप मुख्यमंत्री दो वो हैं, दोनों का एक एक कोई काम गिना दे जो एक काम किया हो। बताओ एक कोई काम किया हो भाजपा का उप मुख्यमंत्री। एक एक काम है कि दिन रात लालू जी को और हमको गाली देना। जाते जाते मेरे तो ये लोग पेपर लीक करा दिए। और क्या हुआ रे भाई, पूले पुलिया गिर रहा है कि नहीं। दिन रात हत्या लूट हो रहा है, जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, गोली मारा जा रहा, व्यवसायिकों पर हमला हो रहा है। कोई सुनने वाला है, कोई देखे वाला है? बस इनको चुनाव जीतना है। चुनाव काहे जीतना है? आपके भलाई के लिए नहीं, बिहार के तरक्की के लिए नहीं, तो खुद बने रह जाए मलाई खाने के लिए, इसलिए चुनाव जीतना है। हम लोग तो इतना साल विपक्ष में रहे और तेजस्वी राजनीति में तब आए जब हम विपक्ष में थे। हम पे केस मुकदमा किया सब कर लेने दो। जो सच सांच को आज किस बात की, सच की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। और अभी भी देखिए कब से 17 से मुकदमा कर रहा मेरे ऊपर, क्या हो गया? और मजबूत हुए कि नहीं हुए? हर जगह झूठ टिकता नहीं, इसलिए आप सब लोगों से यही कहने आए कि ये लोग जो लोग सत्ता में जो आज गाली दे रहे हैं, आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनके जो लोग हैं उस समय मंत्री थे अभी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो शायद बोले हैं कि लोग नौटंकी कर रहा है। जो राष्ट्र कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तो मंत्री थे, जब हम उप मुख्यमंत्री थे तो वो मेरे साथ ही ना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। भाई मुख्यमंत्री जी के सब मंत्री सब मेरे साथ ही ना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे नेतृत्व में किया कि भारत सरकार को हम लोगों ने भेजा है 9वीं अनुसूची में डालो, अब भारत सरकार जो है बेईमानी कर रहा, आरक्षण विरोधी है। वही लोग ना बोलते थे। हम जनता दल यूनाइटेड के लोगों से केवल एक सवाल पूछना चाहते हैं, अगर पत्रकार भाइयों इस सवाल का जवाब ले लो, चाहे वह कुछ भी बोले, एक सवाल का जवाब लेकर के आ जाना, पूछना कि वो लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि इस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए या ना डाला जाए, हाँ या ना, जरा पूछना नीतीश बाबू से। नीतीश जी तो बोलेंगे नहीं कुछ, उनका तो अब बिहार उनसे चल नहीं रहा, जो उनके पास आस पास चमचा बेलचा सब बैठा हुआ है वही बिहार चला रहा है, वही दिन रात पुल गिरा रहा है, पुलिया गिरा रहा है, ट्रेन का एक्सीडेंट करा रहा है, पेपर लीक करा रहा है। बिहार तो इसे चल रहे, लेकिन उन नेताओं से पूछो जो लोग एड़ी अलगा अलगा करके गाली देते हैं दिन भर, विकास मॉडल की गवाही देते हैं बिहार की, उनसे पूछो अनुसूची 9 में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और जब तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सचिवालय में मंत्रिमंडल में, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी बैठ के बोले थे कि नहीं बोले थे?
और अब क्या चाहते हैं, हाँ या ना? क्या जनता दल यूनाइटेड के लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? अगर हाँ तो तुम तो भारत सरकार में भी हो, बिहार सरकार में भी हो, तुमको मांग क्या करना है, तुमको तो करना है। अभी तो नरेंद्र मोदी जी के नष्टी तो वही ना दबाए हुए हैं कहने के लिए, वो हट जाएंगे तो भारत सरकार गिर ना जाएगा, तो काहे नहीं डलवा देते हैं भाई। भारत सरकार नहीं बनी, मोदी जी फिर तीसरा बार बने प्रधानमंत्री, बोल ना थी कि बिहार को नहीं देंगे विशेष राज्य का दर्जा। अरे बोले कि नहीं बोले, पार्लियामेंट में बोले कि नहीं बोले, कैसे मुख्यमंत्री हैं हमारे? तीन बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे और तीनों बार बिहार और गरीब सब लोगों की भूमिका है, पूरे बिहार की भूमिका है उनको प्रधानमंत्री बनाने में, लेकिन पूछो बिहार को क्या मिला रे भाई? विशेष राज्य का दर्जा भी मना कर दिया, नौवीं अनुसूची में भी नहीं डालेंगे, आरक्षण को भी खत्म करेंगे, अल्पसंख्यकों पर वक्त बोर्ड का कानून ला करके तरह तरह का जुल्म ढाया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री इसमें भी चुप रहेंगे। खाली चुप रहने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया कि काम करने के लिए बनाया गया? मुख्यमंत्री राज्य का नेता होता है और राज्य के नेता से पूछो कि इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है, राय क्या है, अगर नहीं दे सकता तो किस बात का नेता है, ये जवाब देना चाहिए। क्या राय है? है अगर नीतीश कुमार जी में हिम्मत, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके या जनता से संवाद करके वो मोदी जी को कहेंगे कि अनुसूची 9 में डालो बिहार का रक्षण? हम भी देखते हैं कौन कितने घाट कितने पानी में है, कोई बोले ना बोले, लेकिन इस लड़ाई को किसी भी कीमत पे, चाहे भारत सरकार हो या प्रधानमंत्री को घुटने पे टिकाना पड़े, हम लोग टिकाने का काम करेंगे। तो आपने सुना तेजस्वी यादव किस प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जाने के बाद जब तक हम सरकार में मौजूद थे तब तक हमने नियुक्ति पत्र बांटा है, लेकिन हमारे जाने के बाद अब तक एनडीए सरकार ने एक भी नियुक्ति पत्र नहीं बांटा है, वही हम पर झूठा जो FIR किया जा रहा है उस समय कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और हम मजबूत होते जा रहे हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज